हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी सो इन टू वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पोएट्स लाइक आपके इग्नू के एम ई जी वन में जो टोटल दस ब्लॉक्स हैं सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द पोएट्स एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर लाइफ बट इन शॉर्ट सो मैंने एक स्प्रेडशीट एक टेबल काइंड ऑफ बनाया है जहाँ पे आपको सारे जो पोएट्स हैं ऑल द पोएट्स विच वी हैव इन आर सिलेबस उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सो so, जिससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में आसानी होगी जैसे कि अगर आपको पोएट्स के बारे में उनकी लाइफ के बारे में वो किस एज के पोएट थे उनके फेमस वर्क कोड्स टाइटल्स ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आंसर में अच्छे से लिख पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे क्योंकि जो जो चेक करने वाला एग्जामिनर भी है उसे दिखाई देगा कि हाँ आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये एक एक्चुअली मैंने स्प्रेडशीट बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है यू विल बी एबल टू डाउनलोड दैट स्प्रेडशीट जो टेबल है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखेगा क्योंकि जिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ इट डजन सपोर्ट टेबल कंटेंट ये सॉफ्टवेयर जो है टेबल कंटेंट uh, को सपोर्ट नहीं करता है तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसकी इमेजेस डाल रही हूँ बट अगर आप टेबल डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सो आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ इट works एंड ऑल्सो इसी वीडियो में हम डिस्कस भी कर लेंगे सारे पोएट्स और उनके बारे में जो जो है वील डिस्कस अलॉन्ग विद द वीडियो तो जो कॉलम्स मैंने डिवाइड किए हैं सबसे पहले जो है हमारे पोएट का नाम देन उनके पापा का नाम सेकेंड कॉलम में उनकी मम्मी का नाम या फिर उनके पापा का जो ऑक्यूपेशन था बिक्स हर बार पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कुछ कुछ पोइट्स जो थे वो इतने पुराने एज के थे कि वी डोंट इवन हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम तो इसीलिए या तो उनकी मम्मी का नाम अगर मुझे मिला तो या फिर उनके पापा का ऑक्यूपेशन

या मे बी किस टाइप के वो पोएट थे मे बी मेटाफिज़िकल पोएट या जो भी कुछ था उसके बारे में एंड उस पोएट की कौन कौन सी पोएम्स जो हैं हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे एक साथ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको स्प्रेडशीट फॉर्म में टेबल के फॉर्म में बहुत इजीली मिल जाएगा तो आपको कुछ भी लाइक like, टेंशन लेने की जरूरत है आपको इजीली इससे आपको सच में बहुत हेल्प हो जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टेबल में कुछ अमेंडमेंट करूं मे बी यू वांट मी टू ऐड अनदर कॉलम और मे बी यू वॉन्ट रिमूव समथिंग दैन लेट मी नो सो वी कैन अमेंड इट तो आगे भी जो आने वाले लोग हैं उनके लिए वो और ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा सो लेट मी नो गाइस सबसे पहले वील स्टार्ट विथ ब्लॉक वन विच इज़ जॉफरी चौसर तो हमारा जो ब्लॉक वन शुरू हो रहा है वो जॉफरी चौसर से ही शुरू हो रहा है द होल ब्लॉक इज़ डेडिकेटेड टू हिम एंड सिर्फ उन्हीं की पोएम जो है हम पढ़ेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं हिज नेम वज जॉफरी चौसर हिज फादर वॉज जॉन चौसर हिज फादर वॉज अ वाइन मर्चेंट एंड सो जॉफरी चौसर केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली इनकी मम्मी का नाम था एग्नेस चौसर इनकी डेट ऑफ बर्थ वी डोंट हैव द एग्जैक्ट डेट बट ही वॉज बॉर्न इन थर्टीन फोर्टी थ्री एंड ही डाइड इन फोर्टीन हंड्रेड आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी ये चीज़ें हो चुकी हैं ही वॉज बॉर्न इन लंडन इनकी जो वाइफ थी उसका नाम था फिलिपा एंड दे गॉट मैरिड इन थर्टीन सिक्सटी सिक्स जोफ्री चौसा के जो वर्क थे उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है फ्रेंच पीरियड इटालियन पीरियड एंड जो उनके ख़ुद का जो राइटिंग का पीरियड है उनके खुद उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो तो उनके फर्स्ट पब्लिश वर्क जो थे वो एक्चुअली फ्रेंच और इटालियन वर्क्स के ट्रांसलेशन थे बहुत सारे इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है उसकी एक्चुअली सभी राइटर्स जो जो हैं उनकी वीडियोस मैं उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप उनकी लाइफ अगर आपको उनकी लाइफ का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके अगर फेमस वर्क्स की बात की जाए तो जो फेमस बुक्स हैं चार वो हैं द हाउस ऑफ फेम द पार्लियामेंट ऑफ़ फॉल्स ट्रॉलियस एंड क्रिसिड द लेजेंड ऑफ़ गुड वुमेन जो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है ये कम्प्लीट नहीं हो पाई थी नॉवल जो वर्क है ये कम्प्लीट नहीं हो पाया था बहुत सारे टाइटल्स दिए हुए हैं बिकॉज इंग्लिश में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है सो आई जस्ट गो थ्रू अ फ्यू ऑफ देम सो लेट्स लेट्स जस्ट गो बाय फादर ऑफ मिडिल एज पोएट्री ल्यूमिनस राइटर ऑफ वर्स पोएम्स ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा द वेल ऑफ इंग्लिश एंड डी फील्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री अब आप जैसे मान लीजिए जै जोफि चौसर के ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चन आया है यू आर अटेम्प्टिंग इट तो अगर आप इस सब चीज़ों से लाइक उनका इंट्रोडक्शन देंगे और कहेंगे कि हाँ उनको ये भी कहा जाता है उन्होंने ये पोएम लिखी है तो आपको एकदम से यू you नो know, जो एग्जामिनर उनके भी नोटिस में आएगा कि वाओ ही रिमेंबर्स ऑल दिस और दिस पर्सन नोज ऑल दिस तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे उसके साथ ही सिर्फ तारीफ ही नहीं हुई इनके बारे में बुरी चीज़ भी कही गई हैं जैसे कि लैक ऑफ हाई सीरियसनेस और नॉट अ पोएट ऑफ द पीपल या फिर प्रिंस ऑफ प्लेजियारिस्ट इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो वो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हिरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पोएट टू बी बेरीड इन द पोएट्स कॉर्नर इसके अलावा इनकी जो एज थी वो थी मिडिल एज या फिर एज ऑफ चौसर बिकॉज ही वॉज सो गुड ही वॉज सो फेमस कि जो पूरी एज है उस एज को ही उनका नाम दी दे दिया गया है एज ऑफ चौसर इनकी जो पोएम हमारे सिलेबस में है वो है द जनरल प्रोलाग्स ऑफ द कैंटेबरी टेल्स एंड द नानस प्रीस टेल ये जो दो पोएम्स है ये हमारे सिलेबस में है इनके ऊपर से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे जो नेक्स्ट पोएट है सेकेंड ब्लॉक के वो हैं एडमंड स्पेंसर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली जो कि शीप रेयरिंग जो भेड़ चराने का काम करते हैं वो क्या करते थे इनका जन्म हुआ था 1522 में ही वॉज बॉन इन लंडन एज वेल 1598 नाइनटी एट में इनकी डेथ हो गई थी फिफ फिफ्टीन एटी में इन्होंने शादी की थी मच बया चाइल्ड से और उसके बाद इनकी दूसरी शादी हुई थी एलिजाब बॉय से और जो बहुत ही फेमस पोएम हम हमेशा पढ़ते हैं पिता जिसमें से हमेशा बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं वो इस सेकेंड शादी के वक्त पर उन्होंने लिखी थी एज अ गिफ्ट टू हिज़ वाइफ इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है वो है शेफल कैलेंडर अगर इनके कुछ फेमस वर्क की बात करें तो उन्होंने कुछ फ्रेंच और इटालियन में चीज़ें लिखी हैं इसके अलावा अगर इंग्लिश वर्क की बात करूँ तो एक काफ़ी फेमस एलिजी है अ पास्टरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वेलरस नाइट इनके बारे में अगर टाइटल की बात की जाए तो ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड पोएट थे यानी खुद के ही बनाए हुए ये पोएट थे ये रेनेसा की एज से हैं और इनकी जो पोएम्स हमारे सिलेबस में उनकी बात की जाए तो वो है द एमरेटी द एपितामियन एंड द प्रोतामियन इसके अलावा ही तीन इनकी सोनेट्स हैं थर्टी फोर सिक्सटी सेवन एंड सेवेंटी सेवन ये भी हमारे सिलेबस में है अब हम आते हैं हमारे ब्लॉक थ्री पे तो ब्लॉक थ्री में जो कुछ माइनर पोइट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो है हैनरी वोगन रिचर्ड क्रैशो थॉमस त्राहन इनके बारे में मैंने टेबल में ऐड किया हुआ है आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी बट क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इनकी कोई पोएम हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए उनको मैं अभी यहाँ रीड नहीं कर रही हूँ आप टेबल से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट पोएट हैं मेटाफिज़िकल एज के वो हैं जॉन डॉन ये एक आयरन मांगर के बेटे थे जो कि लंदन में इनका जन्म हुआ था 1572 में इनकी जो मम्मी जॉन हेवुड की बेटी तो ये लोग काफ़ी रिच थे सिक्सटीन थर्टी वन में इनकी डेथ हुई थी इन्होंने क्लैंडस्टीन मैरिज की थी एन मूर से यानी छुपी हुई शादी की थी इनकी जो शादी थी सबके सामने नहीं थी छुप के इन्होंने शादी की थी अब इनके बारे में अगर कुछ स्पेशल कहा जाए तो ही वॉज़ अगेंस्ट द इम्पॉसिबल शी जो कि अभी तक स्पेंसर वगैरह के वक्त पे चलता था कि इस लड़की को पाना बहुत ही मुश्किल है वैसी वाली चीज़ जो थी ना ये उसके अगेंस्ट में थे इसीलिए ये जो पोइम्स लिखते थे वो उससे काफ़ी अलग हुआ करती थी एक तरीके से कह सकते हैं कि मेटाफिज़िकल पोएट्री को ये लेके आए थे इन इनके जो वर्क की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे सटायर्स एलिजी वर्सेस लेटर सॉन्ग्स सोनेट्स डिवाइन पोएम्स बहुत कुछ लिखा हुआ है ये बॉन्ड कैथोलिक थे और फिर बाद में इन्होंने एंजलिसम में कन्वर्ट किया था अपने आप को सेक्युलर रीजन्स की वजह से इनके बारे में अगर कुछ स्पेशल कहा जाए तो वो है कि इनका जो मन है इट यूज़ टू वैसिलेट बिटवीन टू मास्टर्स विद इन हिम वन पुल्स हिम टू द लाइफ ऑफ सेंचुअल प्लेजर एंड द अदर लीड्स हिम टू द डिसटमेंट एंड डिटैचमेंट और इसीलिए जो है ये दो फोर्सेज के बीच में रह के ये मेटाफिजिकल पोएट्री लिखा करते थे इनकी जो पोएम्स हमारे सिलेबस में है वो है अ अवेलडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग द एक्सटेसी द सेकेंड एनिवर्सरी द फ्ली ये सारी जो है इनकी पोएम्स हमारे सिलेबस में हैं हम आते हैं नेक्स्ट हमारे मेटाफिज़िकल पोएट पे जो है जॉर्ज हर्बर्ट इनके पापा का नाम था रिचर्ड ये एक अरिस्टोक्रैटिक फैमिली से आते थे इनका जन्म भी लंदन में ही हुआ था 1593 में इनकी शादी हुई थी उनकी वाइफ का नाम था जेन और इनकी डेथ हुई 1633 में 1633 में ही इनकी डेथ के साथ इनकी जो सारी पोएम्स थी वो एक साथ पब्लिश की गई और उसका बुक का नाम था द टेम्पल सेक्रेट पोएम्स एंड प्राइवेट एजेकुलशन इनके सारे लाइक थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने जितने वर्क थे वो सब उसमें पब्लिश हुए इनके कुछ फेमस वर्क की बात की जाए तो वो है द टेम्पल द पोर्च द विडो द कॉलर द सेक्रीफाइस पर्ल ईस्टर विंग्स ये जो जॉर्ज हरबटा ने टी ए सिलियर बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया करते थे इनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत लूसी हुआ करती थी तो आप कोई भी अगर इनका कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे ऐड कीजिए कि इनकी पोएम्स लूस, लूसी डुआ करती थी ऑब्वियसली ये मेटाफिज़िकल पोएट थे और इनकी जो पोएम्स हमारे सिलेबस में है वो है द पुली लव टू एंड रिडम्पन हमारे नेक्स्ट मेटाफिज़िकल पोइट पे आते हैं एंड्रू मार्वल इनके जो पिताजी थे वो एक रैक्टर थे इनकी मम्मी का नाम था एन इनका जन्म हुआ था थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन ट्वेंटी फर्स्ट को यॉर्कशायर में इनकी शादी नहीं हुई थी कभी भी इन्होंने शादी नहीं की थी और फाइनली ऑगस्ट सिक्सटीन सिक्सटीन में इनकी डेथ हो गई थी इनकी कुछ फेमस वर्क की बात करें तो वो है द डेफिनेशन ऑफ लव बडास अपॉन एपल्टन हाउस इनकी जो जिस एज में ये इनका लाइक like, लाइफ चल रहा था बहुत ही uh, ट्रैजिक सी वो एज थी क्योंकि युद्ध वगैरह भी चल रहे थे उस वक्त इनऑल तो इसीलिए वो सब चीज़ें देख के ही ही पोल्ड हिमसेल्फ टूवर्स मेटाफिज़िकल पोएट्री क्योंकि जब हमारे आस पास ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारा मन थोड़ा अलग हो जाता है इनकी जो पोएम्स हमारे सिलेबस में हैं वो है टू हिस्स मिस्ट्रेस द गार्डन एंड हो ओड आई होप आपको अभी तक मजा आ रहा होगा पढ़ने में अगर आपके सामने टेबल ओपन है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा हमारे जो नेक्स्ट पोइट है वो है मिल्टन जॉन मिल्टन इनके जो पापा थे वो रोमन कैथोलिक थे लेकिन असर, बाद में उन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट में वो चेंज हो गए कन्वर्ट हो गए और इसीलिए जो उनके दादाजी थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया ही यूज़ टू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ नोटरी एंड मनी लैंडर्स इनका जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को हुआ था लंदन में हुआ था इनकी डेथ हुई फाइनली 8 नवंबर 1674 में इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल तो 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 तीन शादियां की थी और इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था वो था ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट इनकी अगर और फेमस वर्क की बात की जाए तो वो है अ स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड डॉक्टरिंग डिसप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड ऑफ एजुकेशन और ऐसे ही कुछ कुछ और इनके वर्क हैं इनके अगर टाइटल की बात की जाए जो इन्हें टाइटल्स दिए गए हैं तो वो है द लेडी बिकॉज ऑफ इस फीचर्स क्योंकि जैसे ये दिखते थे इनके लंबे बाल थे और बहुत शार्प इनके फ़ीचर्स थे तो इन्हें द लेडी का टाइटल दिया गया था कॉलेज में उसके साथ ही जो है इन्हें लास्ट ग्रेटेस्ट रनेसा पोएट भी कहा जाता है यानी रनेसा जो शुरू हुआ था ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला था तब मिल्टन जो थे उसके आखिरी पोएट थे इनके बारे में अगर कुछ स्पेशल हमें जो जानना है वो ये है कि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे बाई सिक्सटीन फिफ्टी टू इन्हें पूरी तरीके से मतलब शुरू से हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पढ़ाई करते थे और सब कुछ तो शुरू से इनकी आंखें कमज़ोर होती गई होती गई और सिक्सटीन फिफ्टी तक फाइनली ये पूरी तरीके से अंधे हो चुके थे उसके बाद में भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं और इनकी कुछ कुछ जो सोनेट हैं उसमें उन्होंने बात भी की है कि अब अगर मैं अंधा हो चुका हूँ तो क्या मुझे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने अपनी पोएम्स में भी अपने सोनेट्स में शेयर की है ये जो है ये लेट रनसा की पोएम है इनकी जो पोइम्स हमारी सिलेबस में है वो है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट एट अ वेकेशन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ल एलिग्रो एंड इल पंसरेसो और उसके साथ ही है लिसिडास ये सारी पोइम्स जो हमारे सिलेबस में हैं आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक पे तो हम पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन के बारे में इनके पिताजी का नाम था इरासमस ड्राइडन जॉन ड्राइडन का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1631 में इनका जो बर्थ प्लेस है वो है आल्विक इन नॉर्थ हेम्पशायर इनकी जो वाइफ थी उसका नाम था एलिजाबेथ और इनकी डेथ हुई मई ट्वेल्थ सेवनटीन हंड्रेड को इनका जो पोएटिक करियर है वो शुरू हुआ था ड्यूरिंग द सिविल वॉर और इन्होंने एक एलिजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल 1658 में ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी और इसके साथ ही जॉन राइडिंग का करियर शुरू हुआ इन्होंने बहुत सारे ड्रामा ट्राजिक कॉमेडीज हीरो ट्राजडीज ऐसेज ट्रांसलेशन एपिक्स पोएम्स प्ले सब कुछ इन्होंने लिखा है बहुत कुछ इन्होंने किया है इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया तो द हीरोइक कपलेट और राइम डेक सेलेबलिक वर्सेज इन इज स्टेडेंस मेजर कंट्रीब्यूशन to इंग्लिश prosody. इन्हें पोएट लॉरेट भी बनाया गया था जो कि बहुत ही प्रस्टिजियस पोजीशन होता है इनकी जो इमेज है उसके ऊपर अफेक्ट हुआ था द रिहर्सल करके एक प्ले था जिसमें इनका मजाक उड़ाया गया था जिसकी वजह से जो है इन्होंने मॉक पोएट्री लिखना शुरू किया था तो इसी जो है मैक फ्लैक्नो या फिर अलेक्जेंडर्स फीस जो है या फिर पावर ऑफ म्यूजिक ये जो पोएम्स हमारे सिलेबस में ये सारी पोएम्स जो है ये मॉक पोएट्री उसी की वजह से आ, पढ़ने में है उनके लिखने में आई ये जो इनकी एज है आइए जिस एज में ये थे आप कह सकते हैं कि ये एज जो है एज ऑफ ड्राइडन कहलाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक राइटर थे एक ऑथर थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक like राइटर थे इसीलिए जो पूरी एज है इनके नाम पे ही डेडिकेट कर दी गई है ही आल्सो कम्स अंडर न्यू क्लासिकल पोएट इनके जो पूरा बीफ चल रहा था कि किसने क्या किया यू you नो know, किसी ने उनके ऊपर प्ले बनाया मजाक उड़ाया एंड ऑल दिस इनकी लाइफ में मैंने बहुत डिटेल एक वीडियो बनाया है उसकी लिंक भी मैं ऐड करूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं हमारे जो नेक्स्ट पोइट है वो है अलेक्जेंडर पोप इनकी लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक लिनन मर्चेंट या फिर ट्रेड्समैन फैमिली से आते हैं इनका जन्म हुआ था ट्वेंटी फर्स्ट मे सिक्सटीन एटी एट इन्होंने कभी अपनी जीवन में शादी नहीं कर पाए क्योंकि ये बोने थे और इन्हें स्पॉट्स की बीमारी हो गई थी जिसकी टी, टी बी की बीमारी जिसे हम कहते हैं जिसकी वजह से इनकी हाइट ज़्यादा कभी बढ़ नहीं पाई सो ही वॉज ऑलवेज इल थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम और लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे तो उससे उन्हें काफ़ी बुरा लगता था इसीलिए वो सोशल भी ज़्यादा नहीं होते थे लेकिन इससे उनके पैसे कमाने या उनकी राइटिंग की जो स्किल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग की एंड नी बिकेम वेरी फेमस इतने कि हम आज भी उनकी पोएम्स पढ़ते हैं तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी थर्टीन मई सेवनटीन को इनके अगर कुछ फेमस वर्क की बात की जाए तो वो है ट्रांसलेशन ऑफ इलियाड एंड ओडेसी इससे इन्हें काफ़ी पैसे मिले थे इन्होंने क्रिटिसिज्म पे ऐसे भी लिखा हुआ है और इनको जो टाइटल दिया गया है वो है द मॉरल पोएट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन ये न्यू क्लासिकल पोएट थे स्टारिकल पोएट्री लिखा करते थे और इनकी जो एक पोएम हमारे सिलेबस में है दैट इज़ ए पिस्टल टू अर्ब नॉट इस पोएम में उन्होंने यही बताया है कि वो क्यों ऐसी पोएम्स लिखा करते हैं और कैसे लोग उन्हें परेशान किया करते हैं हम आते हैं अब अपने रोमांटिक पोएट्स पे सबसे पहले रोमांटिक पोएट जो है वो है विलियम ब्लेक इनके मम्मी और पापा दोनों का ही इगनू की बुक्स में कुछ मेंशन नहीं किया गया है इनका जन्म हुआ था ट्वेंटी एट नवम्बर सेवनटीन फिफ्टी सेवन को सोहो में इनकी शादी हुई थी कैथरीन से और इनकी डेथ हुई थी ट्वेल्थ ऑगस्ट एटीन ट्वेंटी सेवन को इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है वो है पोएटिकल स्केचेस जो कि सेवनटीन एटी थ्री में पब्लिश हुआ था इनकी कुछ और फेमस वर्क की बात करें तो वो है जेरोसलम एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो दोनों ही हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं इनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है ही वॉज एन अनार्किस्ट और इनके जो बिलीव थे काफ़ी रिवॉल्यूशनरी बिलीव थे लाइक बाकी लोगों की तरह नहीं थे उस वक्त में जो लोगों के बिलीफ थे उससे तो काफ़ी ही ज़्यादा अलग थे उन्होंने प्रिंटिंग का भी एक नया तरीका इंट्रोड्यूस कराया था इस सब के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ ओके okay, हमारे नेक्स्ट जो पोइट है वो है रोमांटिक एज के विलियम वर्ड्सवर्थ इनके पापा का नाम था जॉन इनकी मम्मी का नाम था एन इनका जन्म हुआ था सेवनटीन अप्रैल सेवनटीन सेवेंटी सेवन को कॉकर माउथ में इनका जो शादी तो नहीं हुई थी लेकिन इनका लव अफेयर था एनेट वेलियन के साथ इनकी फाइनल डेथ हुई अप्रैल एटीन में इनके अगर कुछ शुरू के वर्क की बात की जाए तो वो है सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया ये जो है इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था जो कि यूरोपियन एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था अगर इनके कुछ और फेमस वर्क की बात की जाए तो 1804 में ओड टू ड्यूटी वॉज़ कम्पोज एंड ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी वॉज कम्प्लीटेड द एक्सकर्जन इन एटीन फोटी द रिकलूस बायोग्राफिया लिट्रेरिया द्रिलूड इमोटैलिटी ओड ये सारे इनके फेमस वर्कस में आते हैं इनके बारे में कुछ स्पेशल अगर हमें याद रखना है तो वो है कि ये भी पोएट लॉरिट रह चुके हैं एटीन फोर्टी थ्री में ही वो द नेचर लवर उन्हें नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था वो कहते थे कि किसी भी इंसान को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है जीवन में तो अगर वो नेचर में जाएंगे तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उनकी ये चीज़ जो है हमें द प्रिलूड की बुक वन में भी देखने मिलता है जो कि हमारे सिलेबस में है थ्रू आउट द पोएम उन्होंने यही बताया कि कैसे नेचर आपकी हेल्प करती है वो आपको सही रास्ता दिखाती है और नेचर माँ की तरह होती है ऑबियसली ये भी रोमांटिक एज के थे हम हमारे नेक्स्ट रोमांटिक पोएट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एस टी कॉलरिज इनके पापा का भी नाम जॉन था और इनकी मम्मी का नाम भी एन था इमेजन वॉटक को इंसिडेंट्स इनका भी जन्म यू के में ही हुआ था 1772 में इनकी जो वाइफ थी वो थी सारा फ्रिकर और इनकी डेथ हुई थी 1834 में इन्होंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे पोएम लिखी हुई है इनके बारे में कहा जाता है कि ये ओपीएम का यूज़ करते थे यानी अफीम का नशा किया करते थे जिसकी वजह से ये कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाए इनके जो वर्क है ज़्यादा भी ये कुछ नहीं इन्होंने लिखा स्पेशली लाइक पोएम्स में जो कुछ फेमस वर्क्स है वो है कुबला खान द रम ऑफ़ द एनशियट मारिनर क्रिस्टाबेल एंड बायोग्राफी लिटरेरिया में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में लिखा था ये जो है सुपर नेचुरल पोएट्री लिखा करते थे क्योंकि जब आप आपने इनकी पोएम अब तक तो पढ़ी ली होगी कुबला खान एंड एजेक्शन एंड ओड दोनों में आपको एक सुपर नेचुरल के एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे तो ये हमारे लास्ट रोमांटिक एज के पोएट थे अब जो हमारे नेक्स्ट पोएट है वो है पी बी शैली जो कि लेट रोमांटिक पोएट हुआ है बीबी शैली के पापा का नाम था टिमोथी इनकी मम्मी का नाम था एलिजैथ इनका जन्म हुआ था फोर ऑगस्ट सेवनटीन नाइनटी टू यू के में इनका बर्थ हुआ था इनकी दो बार शादी हुई थी पहली वाली वाइफ थी मैरी शैली दूसरी वाली वाइफ थी हैरियट वेस्ट ब्रूक इनकी फाइनल डेथ हुई मे में 1744 में इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था वो था क्वीन मैब इनके कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो वो है यूजीन हिल प्रोमेस्टियस अनबाउंड द सेरसी ओ टू द वेस्ट वेन वेन लैम इज शैटर्ड इनको निक नेम दिया गया था मैट शैली बिकॉज ये काफ़ी अलग थे अपनी एज में उनके एज में जो बच्चे या जब वो कॉलेज या स्कूल में थे तो वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग थे उन्हें स्पोर्ट्स वगैरह उतना पसंद नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी थे इसीलिए उन्हें मैट शैली का टाइटल दिया गया था इनकी जब डेथ हुई ये एक्चुअली बोट पे जाके इन्हें पोएम्स लिखना वगैरह बहुत पसंद था तो बोट ही थी वो बोट डूब गई और इसकी वजह से उनकी डेथ हुई तो जब ये मरे तो उनकी पॉकेट में जो एक पोएम uh, है उस उसका एक वॉल्यूम इनकी पॉकेट में ही था इनकी जो पोएम हमारे सिलेबस में है वो है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है मोस्टली एग्जाम में आती ही है हमारे जो नेक्स्ट लेट रोमांटिक पोएट हैं या सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट भी हम कह सकते हैं वो है जॉन कीट्स इनके पापा का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स इनकी मम्मी का नाम था मैरी कीट्स इनका बर्थ हुआ था थर्टी फर्स्ट अक्टूबर सेवनटीन नाइन्टी फाइव में लंडन में इनकी वाइफ थी फैनी ब्राउन और इनकी फाइनल डेथ हुई ट्वेंटी थर्ड फैब एटीन ट्वेंटी वन में इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था वो था द दोनेट ऑफ सॉलिट्यूड ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह पाई ट्वेंटी फाइव की एज में इनकी डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ़ टी बी टी बी की जो बीमारी थी उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ फिफ्टी फोर पोएम्स लिखी हैं उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा लिख नहीं पाए अगर वो जिंदा रहते तो ऑफ कोर्स लिखते बट वो नहीं लिख पाए इनको जो टाइटल दिया गया है वो है द पोएट ऑफ सेंसेस इनके बारे में अगर कुछ स्पेशल बताया जाए तो वो ये है कि ये ज़्यादा बहुत पढ़ नहीं पाए थे लाइक उस वक्त जो बच्चे स्कूल जाते थे तो उन्हें ग्रीक लैटिन ये सब सीखने मिलता था जो कि ये नहीं कर पाए थे इसीलिए ही यूज़ टू ओवर फॉर हिज नॉन एरिस्टोक्राटिक एजुकेशन ताकि वो जो भी पोएम लिखे थे उसमें वो ज़्यादा ग्रीक और ये सब चीज़ें डाला करते थे ताकि ऐसा लगे कि हाँ मैं मुझे भी आता है ये सब जो तुम्हें आता है उस तरीके से एक्चुअली ही वॉज अ डॉक्टर उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फोर्स किया था उन्होंने कि तुम मेडिसिन पढ़ो लेकिन फाइनली उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं पोएम्स ही लिखूंगा इनकी जो पोएम्स हमारे सिलेबस में है वो है हाइपेरियन फ्रेगमेंट वन एंड टू हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग इनके पापा का भी नाम रॉबर्ट था मम्मी का नाम था सारा एना इनका बर्थ हुआ था सेवन मे एटीन को लंडन में और ट्वेल्थ दिसंबर एटीन में इनकी डेथ हो गई थी इन्होंने भी क्लांडेस्टीन मैरिज की थी एलिजाब के साथ में इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है वो इनकॉन्डिटा जब वो सिर्फ बारह साल के थे तब से उन्होंने पोइम्स लिखना शुरू किया लेकिन उनकी सिर्फ दो ही पोएम्स हैं जो सर्वाइव कर पाए पुरानी वाली इनके अगर कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी ड्रामाज लिखे हुए हैं जो ब्लैंक वर्स में हैं जिसमें से कुछ एक है माई लास्ट टचेस सोलोलिक्यू ऑफ स्पेनिश क्लोइस्टर द पाइट पाइपर ऑफ एमलिन ये बहुत ही पैशनेट ब्रिलियंट और डिसिप्लिन पोएट थे विक्टोरियन एज जो थी ओवरऑल वो काफ़ी ही रिलीजियस थी ऑलरेडी तो ये भी उसी के थे एक पार्ट और इन्हें शैली जो है वो उन्हें बहुत फॉलो किया करते थे पी बी शैली को ये फॉलो किया करते थे उन्हीं के इन्फ्लुएंस के अंडर इन्होंने वेजिटेरियनिज़म और एथिज़म को भी अपनाया था ये ऑब्वियसली विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं इनकी जो पोइम्स हमारे सिलेबस में है वो है सॉर्डीलो द बिशप ऑर्डर हिज टूम एट सेंट प्रैक्स चर्च चाइल्ड रोलन टू द डार्क टावर केम एंड फ्रा लिपोलिपी हम हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट विक्टोरियन पोएट तो वो है दांते गैब्रियल रोसेटी और क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ये दोनों भाई बहन थे तो ऑबियसली इनके पापा मम्मी सेम ही है पापा है गैब्रियल मम्मी है फ्रांसिस पोलिडोरी इनका जो बर्थ है जो दांते गैब्रियल इनका बर्थ हुआ था ट्वेल्थ में एटीन और इनकी डेथ हुई थी नाइन्थ अप्रैल एटीन वहीं जो क्रिस्टीना है उनका बर्थ हुआ था फाइव दिसंबर एटीन थर्टी और डेथ हुई थी ट्वेंटी नाइन डिसम्बर एटीन नाइन्टी फोर को दोनों का ही जन्म लंदन में हुआ था इनकी जो स्पाउसेज है उनकी बात की जाए तो डांटे गैब्रियल की जो वाइफ थी वो थी एलिजाबेथ वहीं क्रिस्टीना ने इंगेजमेंट किया था लेकिन उनके जो लवर थे वो रोमन कैथोलिक थे यानी इनका सेम रिलीजन नहीं था इसीलिए क्रिश्चन तो थे लेकिन उनके बिलीव्स अलग अलग थे इसीलिए उन्होंने जो अपनी इंगेजमेंट है वो तोड़ दी थी जहाँ दांते की फर्स्ट पोएम थी द मेड ऑफ एल्फिन मेर वहीं जो क्रिस्टीना जॉर्जीना है इन्होंने सात पोएम दी थी द जर्म करके एक मैगजीन थी वहाँ पे उन्होंने अपनी सात पोएम दी थी जो कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के अंडर उन्होंने उसके अंडर ही उन्होंने ये पोएम्स पब्लिश करने के लिए एटीन में दी हुई थी अब डांत गैब्रियल के बारे में कुछ स्पेशल बात करें तो इनकी जो वाइफ है उसकी एटीन में डेथ हो गई थी तो उन्होंने क्या किया अपना जो सारा लिखा की जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी जितनी पोएम्स जो भी उन्होंने लिखा था सब कुछ उठा के अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ में दफना दिया कॉफिन के अंदर ही और फिर फाइनली उसके सात साल बाद उन्होंने वो सारी चीज़ों को रिकवर करवाया उसके बाद में ये एक पेंटर भी थे पोएट भी थे और इन्होंने जो है प्री रेफिलाइट ब्रदरहुड के फाउंडर भी थे उन्होंने अपनी बहन को भी वहाँ पर लिया हुआ था इनकी जो बहन है वो एक सूडो क्योंकि उस वक्त जो है औरतों को उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता था लिखने वगैरह में उनकी राइटिंग को उतना सीरियसली भी नहीं लिया जाता था इसीलिए जो इनकी वाई इनकी जो बहन है वो सूडो नेम के साथ आई थी लाइक उन्होंने एक पेन नेम यूज़ किया था जो कि था एलन एलन और उसके साथ ही वो जो पोएम्स पब्लिश कराया करती थी इनकी जो कुछ पोएम्स हमारे सिलेबस में है वो है माई सिस्टर स्लीप द ब्लेस्ड डेमोजेल एंड द गॉबलिन मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं और एग्जाम में भी आती हैं तो हम ये भी प्रिपेयर करेंगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट की तरफ नेक्स्ट विक्टोरियन पोएट जो कि है ऑस्कर वाइल्ड इनके पापा का नाम था विलियम मम्मी का नाम था जेन इनका जन्म जो है डब्लिन में हुआ था तो ये एक्चुअली यूके से नहीं यूनाइटेड किंगडम से हैं बट ये लाइक बाकी पोइट्स की तरह अभी तक जो हमने देखे थे सब लंडन से थे वहाँ से नहीं हैं ये डब्लिन आयरलैंड से हैं इनका जन्म हुआ था सिक्सटीन अक्टूबर एटीन को और इनकी डेथ हो गई थी थर्टीन नवम्बर नाइनटीन में एटलीस्ट हम नाइनटीन हंड्रेड तक तो पहुँच गए क्योंकि जहाँ हमने शुरू किया था विच ऑसर इट्स गुड कि हम नाइनटीन हंड्रेड तक पहुँच चुके हैं इनकी जो वाइफ थी वो थी कॉन्टेंस लॉयट इनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोएम है वो 1881 में पब्लिश हुई थी इनकी कुछ और फेमस वर्क की बात करें तो वो है द द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड लेडी फैन इनके बारे में कुछ स्पेशल अगर आपको जाना है तो इन्होंने शुरू किया था एक कल्ट कल्ट शुरू किया था एस्थेटिसम आर्ट ऑफ लाइफ उन्होंने इसके बारे में कल्ट शुरू किया था इनकी जो पोएम है वो इनकी जो पोएम हमारे सिलेबस में है वो है द बैलट ऑफ द रीडिंग गर्ल ये पोएम हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही पोएम है इनकी इसके साथ ही जो हमारे विक्टोरियन पोएट्स हैं वो ख़त्म हो जाते तो जो मॉडर्निस्ट पोएट है वो हमारे दो पोएट्स हैं डब्ल्यू बी यी एस इलियट तो डब्ल्यू बी यीट्स के बारे में बताती हूँ इनके जो पापा हैं वो है जॉन बटलर वो एक पेंटर थे जो डब्ल्यू बी यीत से इनका बर्थ हुआ था थर्टीन जून एटीन सिक्सटी फाइव को इनकी डेथ हुई थी ट्वेंटी एट जैन इनका बर्थ जो है आयरलैंड में हुआ था इनकी जो वाइफ थी वो थी जॉर्ज हाइट लेकिन असल में ये जो प्यार करते थे ये मॉर्ट गॉन को प्यार करते थे लेकिन मॉर्ड गॉन जो है उन्होंने कभी भी इनके प्यार को वापस नहीं इन्हें दिया इसीलिए इन्होंने दूसरी अपनी जो उनको पसंद करती थी उससे शादी कर ली एंड ही हैड अ हैप्पी मैरिज इनके जो फर्स्ट वर्क की बात करें तो वो है द लेक ऑफ आयल इन इस फ्री और इनकी कुछ और फेमस वर्क की बात करें तो वो है द ग्रीन हेलमेट क्रॉसवेज द रोज द विंड अमंग द रीड्स इन्हें एक्चुअली नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री तो डब्ल्यू बी ईट्स की जो पोएम्स हमारे सिलेबस में है वो है एडम स्कर्स एंड नो सेकेंड ट्रॉय इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पोइट है वो है डब्ल्यू बी यीट्स जिन्होंने द वेस्ट लैंड लिखी थी द वेस्ट लैंड के टोटल पाँच पार्ट हैं सब मैंने वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं आप ज़रूर उनको चेक कीजिए इसके अलावा इनकी दो और पोएम्स हैं एक है ईस्टर नाइनटीन सिक्सटीन दूसरी है सेलिंग टू बाई एंड लापिस लजुल ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसीलिए मैं अब सिर्फ आपको क्विक क्विक साम्री देखे ये वीडियो मैं खत्म करूँगी क्योंकि वैसे भी जो टेबल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप टेबल डाउनलोड करके उसको रीड कीजिए अब हम फाइनली जो है हमारे लास्ट ब्लॉक पे पहुँच चुके हैं जो कि हमारे हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड मॉडर्निस्ट पोएट्स तो इसमें हम तीन पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पहले हैं डायलिन थॉमस दूसरे फिलिप लार्किस और तीसरी सिल्विया प्लाथ तो डायलिन थॉमस जो है इनकी पहली पोएम जो है वो थी द फोर्स दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स इससे इनका करियर शुरू हुआ था इन्हें अपने जीते जी बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम मिला क्योंकि ये रेडियो जॉकी भी थे ये अपनी पोएम्स को खुद पढ़ा करते थे जिसकी वजह से जो इनकी पोएम्स पढ़ने में और ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती थी इन्हें बहुत ही ज़्यादा नेम फेम मिला था इनकी जो पोएम्स हमारे सिलेबस में जो हमें एग्जाम में आएंगी सबसे पहली तो वही पोएम है द फोर्स दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स द फ्लार जो दूसरी पोइम है वो है एंड डेथ शैल हैव नो डोमिन तीसरी पोइम है पोएम इन अक्टूबर फर्न हिल अ रिफ्यूजल टू मोन द डेथ ऑफ़ अ फेयर इन्फेंट ये सारी पोइम्स हमारे सलेबस में है हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोइट की तरफ जो कि है फ़िलिप लार्किन्स इनकी जो काफ़ी सारी पोइम्स हमारे सिलेबस में है जैसे कि आई रिमेंबर आई रिमेंबर टोज टोज री विजिटेड मिस्टर ब्लीनी चर्च गोइंग द वाइट्स एंड वेडिंग एंड एट ग्रास ये सारी जो हैं इनकी पोइम्स हमारे सिलेबस में हैं इनको जो टाइटल दिया गया था वो है द मेजर पोइट ऑफ द मूवमेंट पोएट्री क्योंकि इन्होंने मूवमेंट पोएट्री को इंट्रोड्यूस कराने में इनका भी काफ़ी बड़ा हाथ था और इसी के साथ जो इनकी पोएम्स जब आप पढ़ेंगे तो ये पोएम्स ज़्यादा लंबी नहीं है मे बी सात आठ नौ स्टैंड की मैक्सिमम लेकिन काफ़ी नॉर्मल इंग्लिश यूज़ की गई है तो पोएम पढ़ने में काफ़ी आसान है समझ में आती है और क्योंकि ऐसी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे इनको बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स में इंटरेस्ट नहीं था इसीलिए इन्हें पोएट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन का टाइटल भी दिया गया था और फाइनल जो हमारी लास्ट पोएट है वो है सिल्विया प्लाथ शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएट्स और शायद इनकी वजह से ही मैंने इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली लिया है तो ये जो है कन्फेशनल पोइट्स के अंडर कैटेगरी में आती है तो है तो ये मॉडर्निस्ट पोइट ही लेकिन ये कन्फेशनल पोएट्री लिखा करती थी इनकी जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है वो है द कलोस ये 1956 में पब्लिश हुआ था इसको उतना कुछ तारीफ नहीं मिला था बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ वर्क जो कि किसी और को खुश करने के लिए आपने लिखा है कि हाँ क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रही थी तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने ये पोइम्स लिखी हुई थी इसके बाद जो इनकी एक फाइनल जो बुक आई वो है एरियल जो कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी ये इन्होंने क्या किया था अवन के अंदर अपना स्तर डाल के सुसाइड कर लिया था शी सफर्ड थ्रू मेंटल इलनेस थ्रू आउट हर लाइफ टाइम तो इसके बाद ही जो है हेड इन द अवन करके एक ट्रोप निकला था जिसमें बहुत सारे ऐसे कन्फेशनलिस्ट पोएट्स जो थे वो इस तरीके से अपनी किसी भी तरीके से अपनी जान दे दिया करते थे बिकॉज उन्हें मेंटल uh, इलनेस हुआ करती थी इसलिए वैसे ही दुख भरी पोएम्स लिखा करते थे बट इनकी पोएम्स जो है वो पढ़ने में इट विल टच योर हार्ट तो इनकी कुछ फेमस वर्क की बात करें तो जैसे द क्लोसिस जो पहला इनका पब्लिश हुआ था उसके बाद है क्रॉसिंग द वाटर एंड विंटर ट्रीज उसके बाद जो एरियल है बुक ऑफ पोएम्स उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी एक इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है द बेल जार और इसके साथ ही दूसरी जो है वो है जॉनी पैनिक एंड द बाइबल ऑफ ड्रीम्स ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं इनकी पापा की डेथ हो गई थी जब वो आठ साल की थी और फिर जो है इन इसीलिए इन्होंने जो है डैडी कॉम्प्लेक्स भी है उस जिसकी कि इंसडेंस हमें बहुत सारी पोएम्स में देखने मिलेंगे इसके अलावा अगर कुछ और जाने जैसे उनके बारे में चीज़ है तो वो है कि इनका जो हस्बैंड है उससे भी इनका सेपरेशन हो गया था इन्होंने अपना पहला सुसाइड अटैम्प्ट किया था ट्वेंटी फ ट्वेंटी वन साल की उम्र में इक्कीस साल की उम्र में और दूसरा जो फाइनल उन्होंने किया था वो तीस साल की उम्र में किया था जिसमें कि उनकी डेथ हो गई थी इनकी जो कुछ पोएम्स हमारे सिलेबस में है वो है द कलोस डैडी ओके इनकी जो कुछ पोएम्स हैं जो हमारे सिलेबस में है वो है द कलोस डैडी लेजी लजून पर्दा एरियल परसुट द एप्लीकेंट एंड फीवर वन जीरो थ्री ये सारी पोएम्स जो है ये हमारे सिलेबस में है इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सिल्विया प्लाज के ऊपर मोस्टली कि कन्फेशनलिस्ट पोएट्स जो थे वो किस तरीके से लाइक उस पर बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा तो आई होप आपको सब अभी तक समझ में होगा ये स्प्रेडशीट से आपको आसानी हो जाएगी नाउ यू ऑलरेडी नो कि किस पोएट किस टाइप की पोएम लिखा करता था उनकी लैंग्वेज कैसी होती थी, थी क्योंकि अगर वो विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं तो उनकी लैंग्वेज कुछ अलग तरीके की होगी या चौसर की लैंग्वेज और फिलिप लार्किन की लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं होगी तो आपको आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी और प्लस आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ आप इस पोएट के बारे में ये स्पेशल था तो ये इस टाइप की पोएम्स लिख सकता है और इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली जो भी आपको जो भी आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस स्प्रेडशीट में या इस वीडियो में कुछ और अमेंडमेंट्स मैं करूँ जिससे कि आपको और आसानी हो इसमें काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके डाला है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा